अपना देश चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी के व्रत की कथा। श्री महालक्ष्मी व्रत जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। 16 दिनों का ही व्रत होता है। दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है और माँ लक्ष्मी का की अपार कृपा इस व्रत करने वाले को प्राप्त होती है। और इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ में हाथी पर विराजित माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और जो लोग 16 दिन तक उपवास नहीं कर सकते वो 3 दिन का उपवास करके भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में एक चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है कि इस व्रत में अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सिर्फ दूध फल और मिठाइयाँ इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा तुरंत ही हो जाती है। राधा अष्टमी या श्री महालक्ष्मी का व्रत जो है दोस्तों खाली मनोकामना पूर्ति के लिए भी नहीं किया जाता। ये व्रत जो है वो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को धन्यवाद करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसी माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा को सुनते हैं। तो पहली जो कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें दो कथाएं आती हैं। इसमें पहली कथा हम सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जो था वो नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। तो ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर श्री विष्णु जी समझ गए कि वही माँ लक्ष्मी का अनन्य भक्त तो इसकी कृपा करनी ही होगी। तो भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को एक रास्ता बताया। उसने कहा कि जो सामने जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वह सुबह सुबह वहाँ पे उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण दे देना। वह जो स्त्री है वो कोई और नहीं माँ लक्ष्मी ही है। तो ब्राह्मण समझ गया, बड़ा खुश हुआ और दूसरे ही दिन वह जल्दी उठ गया क्योंकि उसे तो माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना था। सुबह 4 बजे ही वह बैठ के मंदिर के सामने बैठ गया देखने कब आए माँ लक्ष्मी। क्योंकि भगवान विष्णु ने उसको कहा था कि अगर माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आ गई तो फिर तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे माँ लक्ष्मी नजर आई और जैसे ही माँ लक्ष्मी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण उनके पास गया और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि भगवान विष्णु की ही चाल है, उन्होंने कहा लगता है। तो लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम माँ लक्ष्मी के व्रत करो, 16 दिन तक व्रत करो, 16वें दिन की रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से ये व्रत इस दिन की उसी विधि से पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है और जो भी भक्त 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी को पुकारता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में सदैव के लिए वास करने लगती है। तो दोस्तों ये थी माँ लक्ष्मी की पहली कथा। आप सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार क्या होता है, माँ लक्ष्मी का जब त्योहार आता है तो हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन गांधारी ने कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। और गांधारी के 100 पुत्र थे, उन्होंने 100 पुत्रों ने बड़ी मिलकर खूब सारी मिट्टी लेकर आए और उस मिट्टी से बड़ा ही विशाल काय हाथी बनाया और फिर हाथी को बहुत ही खूब सुंदर सा सजाया और महल के बीचों बीच जो है वो स्थापित कर दिया। और सभी स्त्रियां जो थी वो पूजा के थाल ले लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। सबको पता चला कि इतना विशाल काय हाथी जो है वो वहाँ पे स्थापित किया गया, इतना सुंदर सजाया गया, उसके दर्शन करने की इच्छा से वहाँ पे भीड़ लगने लग गई। और दूसरी तरफ कुंती उदास कि उसके यहाँ तो कोई आया भी नहीं, उसको बुलाया भी नहीं गई, तो उसके मन में बड़ी तकलीफ हुई। जब पांडवों ने माँ को पूछा कि आप इतनी उदास क्यों है, इतनी उदासी का कारण क्या है, तब कुंती ने पांडवों को कहा कि मैं किसकी पूजा करूं, अपने यहाँ थोड़े ना हाथी है जिसकी मैं पूजा करूं। अर्जुन ने माँ की सारी बात सुनी तब उसने माँ को कहा कि माँ आप पूजा की तैयारी करो, मैं आपके लिए जीवित हाथी ले आता हूँ।
और अर्जुन तुरंत ही इंद्रदेव के पास पहुंच गया और अपनी माता के पूजन हेतु ऐरावत को ही ले आया। माता ने सप्रेम पूजन किया और जब सभी लोगों को यह पता चला कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया, तो सभी कोई कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी और पूजन करने को आ गई। तो इस प्रकार से ये जो महालक्ष्मी के पूजन की जो कथा है वो चली आई है। दोस्तों, इस कथा को सुनने से और इस तरह से पूजन अर्चन करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी माँ लक्ष्मी के भक्त विशेष तौर पर उनके साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। जय माँ लक्ष्मी।